आज हम बना रहे हैं मटन चीज ब्रेड रोल। तो उसके लिए चाहिए कीमा मटन का 1/2 किलो, ब्रेड चीज के स्लाइसेस, यहाँ पे कुछ मसाले हैं, धनिया पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक सॉल्ट, गरम मसाला, टमाटर 2 कटे हुए, थोड़ी सी धनिया, ऑनियन 2 कटे हुए, और ये ऑप्शनल है, डाल भी सकते हो नहीं भी, स्प्रिंग ऑनियन। तो ब्रेड के जो कॉर्नर्स है इसको ऐसे काटने हैं पतला पतला साइड से ऐसे, ठीक है, वैसे ही और बाकी के भी काट लेंगे। सो ये जो साइड के ब्रेड का ये बचा था, इससे हम रमज़ान के लिए ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, तो इसको साइड में रख देंगे, इसको फेंकेंगे नहीं। तो इसी तरह से मैंने सब ब्रेड को कॉर्नर्स उसके काट लिए हैं, ठीक है। अब ये रोल की स्टफिंग तैयार कर रहे हैं, उसके लिए पहले 2 कटे हुए कांदे डाल देंगे और इसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। इसे ज़्यादा लाल नहीं करना, ये इतना रेड हो जाएगा ना। तो अभी इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच और इसको अच्छे से भून लेंगे थोड़ा 1 मिनट तक। इसमें अदरक लहसुन ये अच्छे से भून गया, अब इसमें हम डालेंगे टमाटर और कोथमीर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे भी। टमाटर थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं तो हम ये जो भी जितना भी मसाला थे सब डाल देंगे। अच्छे से भून लेंगे, मसाला अच्छे से भून गया है और हमने जो ये कीमा 3 से 4 पानी से धोया था, अब हम ये इसमें डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कीमा डाल के मैंने इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट तक पका लिया है, अब इसमें मैं डालूंगी स्प्रिंग ऑनियन, ठीक है, ये ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं नहीं भी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस और फिर इसे 1 मिनट तक फास्ट फ्लेम पे पकाएंगे। ये भी अच्छे से भून गया है, इसका पानी भी सूख गया ऑलमोस्ट, अभी इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा कोरिएंडर डाला है चॉप करके। ये हमने पानी लिया है रोल बनाने के लिए, इसमें हम 1/2 चम्मच सॉल्ट नमक डालेंगे। तो ये ब्रेड लिया, ये ऐसा पानी में डिप करेंगे, इसे निकाल के इसका दबा के पूरा पानी निकाल लेंगे, ठीक है, अच्छे से पानी। और एक कीमा लेंगे, एक चीज का स्लाइस, इसको अच्छे से पैक कर देंगे यहाँ से। ये ऐसा पैक कर देंगे पूरा, बाकी के भी रोल को ऐसा स्टफिंग करके भर दिए और इसको रखेंगे 5 से 6 मिनट के लिए हवा में। पैन में तेल गरम हो चुका है और जो रोल के स्टफिंग करके स्टफ करके रखा था वो हम अभी तेल में डालेंगे। ये रेडी हो चुका है फ्राई करके,
अच्छा।